नमस्कार आईडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एसपी निषाद उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और पूरी तरह से फिट होंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला तारा गांव सचिवालय में इस समय हम उपस्थित हैं और यहां पे प्रतियोगिता प्रतिमाह कराई जाती है और मेरे लिए आज सौभाग्य की बात है कि मैं भी कभी इनका शिष्य रहा हूँ। बहुत वर्ष बीत गए, इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप सब लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो हमको अवगत कराएंगे कि आप लोगों को जो ये प्रतियोगिता कराई जा रही है इससे आपको क्या लाभ है और आगे आपको क्या लाभ होने वाला है फ्यूचर में। सर, ये जो प्रतियोगिता कराई जा रही है जी, ये जो प्रतियोगिता का आयोजन है राजू निषाद जी के द्वारा है, वो भी हमारा शिष्य रहा, लेकिन ये बच्चा जो है शिक्षा के प्रति बड़ा ही जागरूक बच्चा है और ये चाहता है कि हमारे क्षेत्र के जो होनहार बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो जिनको की शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो लाइब्रेरी है वहाँ अध्ययन करें और ये इच्छा है कि तमाम बच्चे आकर के टेस्ट दें। जो अच्छा जीनियस बच्चा निकलेगा तो उसके लिए हम भरपूर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर, ये जो प्रतियोगिता है इसका नाम क्या दिया गया है? इसका जो है मासिक प्रतियोगिता अभी चल रही है जी, अभी कोई नाम नहीं निर्धारित है। एक तरह से हम इनका नॉलेज चेक कह सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, ये एक बौद्धिक परीक्षण है बच्चों का। जी जी जी, जी। और सर, यहाँ पे हमारे तारा से ही जो डिप्टी एसपी राजू निषाद जी हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से ये प्रतियोगिता कराई जा रही है। सर जी जी, उन्हीं के माध्यम से कराई जा रही है और प्रतिमाह करवाई जा रही है और वृक्षारोपण भी वो करवा रहे हैं। अच्छा, वृक्षारोपण? हाँ, वृक्षारोपण भी होता है। और यहाँ पे आज जो प्रतियोगिता थी उसमें तीन बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उनसे भी हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या अनुभव किया और यहाँ से वो क्या सीख रहे हैं और आगे भविष्य में वो क्या करना चाहते हैं। वो जो बच्चे हैं फर्स्ट सेकेंड आए हैं वो यहाँ पे आ जाएं प्लीज। आ जाइए बेटा, आ जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पे तीन स्टूडेंट यानी कि छात्राएं हैं और एक छात्र है, तीन लोगों को यहाँ पे ये देख सकते हैं शील्ड से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है आपको? अर्चना पटेल। अच्छा, आप इस प्रतियोगिता में भाग लिए और फर्स्ट आए, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। अच्छा, खुशी लग रही है। अच्छा, जो प्रतियोगिता है इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? नॉलेज होती है और ज्ञान। आप कैसे तो परीक्षा देने जाते हैं, किसी कोई भी एग्जाम होता है, अभी तक बहुत सारे एग्जाम आपने दिए होंगे, तो उसमें जब आपका डर होता था पहले, अब क्या लगता है जब एग्जाम देने जाते हैं? पहली बार डर लगता है, फिर दूसरी बार फिर थोड़ी थोड़ी कम हो जाता है। और यहाँ भाग लेने के बाद यहाँ पर ठीक रहता है, नहीं लगता है डर? अब कोई डर नहीं रहता कि परीक्षा में जाएंगे कहाँ, हमारी सीट है कहाँ, हमारा नंबर है? नहीं, अब इतना नॉलेज हो गया है। नॉलेज हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम बेटा? काजल सर। अच्छा, आपको सेकंड प्राइज दिया गया है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है, बस ऐसी मेहनत करते रहे। और यहाँ जो प्रतियोगिता में आपका सेकंड नंबर आया जी, बहुत एक गर्व की बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, तो आज आप क्या महसूस क्या कर रहे हैं? आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि सेकंड आए हैं, इतने बच्चों में बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। जी जी, और आप जैसे कि पहले जो एग्जाम देने पड़ते थे पहली बार दूसरी तीसरी बार जी, तो वहाँ एक डर रहता है? रहता जी, जी रहता है डर, पहली बार में बहुत ही डर लगता है, फिर बाद में नहीं लेता। अब यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद जब एग्जाम देने जाएंगे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हम पहले भी अनुभव कर चुके हैं कि ऐसे हैं, अगली बार देंगे तो अच्छा लगता है कि हाँ। आपका क्या नाम है? अच्छा, आपको थर्ड प्राइज दिया गया है जी, तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और जब मैं पहली बार मैंने ये परीक्षा दी तो मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, और जब मैंने अभी बहुत मेहनत की फिर उसके बाद मैं थर्ड में आज आ गया हूँ और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। यहाँ से कुछ अनुभव कर रहे हैं, जैसे आगे हमको एग्जाम देना, बहुत सारे जो हम कोर्सेस करेंगे या कोई तैयारी करेंगे, तो उसमें आपको ये जो एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पे प्रतियोगिता में, इससे आप कुछ लाभ हुआ कि नहीं? बहुत लाभ हुआ। डर आपका दूर हुआ कि नहीं? जी, डर दूर हुआ। अभी एग्जाम देने आपको दूर दूर बाहर भी जाना, स्टेट बाहर भी जाना पड़ता है जी, तो यहाँ से वो कुछ ऐसा लग रहा है कि हम जाएंगे दूसरी जगह तो हमको डर नहीं लगेगा? जी, डर हमें नहीं आ गए हम, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत अच्छा वो कर रहे हैं तो हमें आगे डर नहीं लगेगा। और ये शील्ड से आज आपको सम्मानित किया गया है, तो
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है जी। शील्ड दिखाई जा रहा है, हाथ उठाइए। आ जाइए सब लोग, तीनों जन खड़े हो जाइए यहाँ पे। और कहाँ नहीं बैठा? ठीक है, आप इधर थोड़ा सा हो जाइए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रतियोगिता रखी गई थी उसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और तीनों को शील्ड से यहाँ पे सम्मानित किया है। सर जी हैं और हम भी जो है कभी पढ़ते थे और हम इनके शिष्य रह चुके हैं, हमारे गुरु जी हैं। और बहुत दिन के बाद मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। और हमारे टाइम की जो पढ़ाई थी, मैं आज भी सबके सामने कहता हूँ कि वो आठवीं सर और आज का इंटर, पहले बहुत गहन अध्ययन करवाया जाता था बच्चों को, और जब से ये दंड प्रक्रिया कम हुई और उधर लापरवाही भी शिक्षकों की बढ़ गई, अब वो उतना ध्यान नहीं देते। जो हमारे चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं सर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए सर क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? फ्यूचर में हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज का युग कंपटीशन का युग है। अगर आपने अच्छा तैयारी नहीं किया, वो नहीं उस तरह वो हुए, तो इससे बेहतर है कि अपना अन्य काम में ही अच्छी सफलता हासिल करो। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में हो तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, बट आप पहुंचो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, उसमें टाप आओ। और हमेशा हम अच्छी प्रतिभाओं को तलाशते रहे। अब राजू के द्वारा और भी अच्छा हमको सुगम मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। तो आपने यहाँ पे सुना कि सर जी हैं और उन्होंने क्या कहा कि आपकी रुचि किसमें है, पढ़ाई में है या फिर आप कोई बिजनेस कुछ भी करना चाहते हैं, तो जहाँ पे आपका ज्यादा ध्यान जाता है ये उसी में करें। हाँ, उसी में आइए आप आइए। पढ़ाई में अगर रुचि है तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि बाधा नाम की कोई चीजें नहीं। जिसमें अगर हमने सत्य संकल्प किया है, हमारे मैनेजर साहब थे दीप नारायण सिंह, तो वहाँ लदरवा फतेहपुर से ग्वालियर पैदल पढ़ने जाते थे और MSc टॉप किया उन्होंने, यूनिवर्सिटी टॉप किया था ग्वालियर में, तो उनको तो गरीबी बांध नहीं सकी, वो टॉपर रहे अपने युग के। तो ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि जो संघर्षशील बच्चा है और कुछ सहारा हम लोगों का मिल गया जितना अपने से हो सकता है, तो हो सकता है कि वो बहुत आगे बढ़ जाए। उनको मौका मिलने का अवसर तलाश रहे हैं। आप जैसे जो टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, आपका सहयोग रहेगा तो बच्चे जरूर टॉपर होंगे। आज यहाँ पे आपने देखा कि जो प्रतियोगिता थी, प्रति माह एक प्रतियोगिता होती है, हम आगे भी जानकारी है अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम उत्तर प्रदेश की छोटी से लेकर बड़ी खबर इसी तरह आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय।